फिर मैं आ गई हूँ वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक लेकर अपने इस चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मैथ्स। सो अपने पिछले वीडियो में मैंने निकुलम सूत्र से मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, जिसमें मैंने टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको थ्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी। वैसे तो थ्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन निकुलम सूत्र से ये बहुत ईजी हो जाता है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और चीजें एकदम क्विक। लेट्स सी 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 14। इफ यू रिमेम्बर, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ बताया था, वो क्या था? बेस। कि हमारा बेस क्या होता है? 10, 100, 1000, वो हमारे बेस होते हैं। तो इफ यू सी दीज नंबर्स, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट आर बेस इन दीज नंबर्स इज 10, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर क्लोजर टू 10। सो बेस इक्वल्स टू 10। ओके, सो 12 जो है 10 से कितना प्लस है? 2 प्लस है। 13 आपका कितना प्लस है? 3 प्लस है। एंड 14 आपका कितना प्लस है? 4 प्लस है। ठीक है, ये टू नंबर मल्टीप्लीकेशन की तरह ही है। देन अब क्या करते हैं, आप अपने फर्स्ट नंबर को नेक्स्ट टू नंबर से ऐड, क्योंकि प्लस है तो इनको ऐड करेंगे। 12 प्लस 3 15 प्लस 4 19, तो ये सब में एक सा आएगा। 13 को करेंगे अगर, तो 13 को प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तब भी 19 आएगा, और 14 को 2 और 3 से ऐड करेंगे तब भी 19 आएगा। सो 19 आपका आएगा ही आएगा, 19 इज द सम। ओके, देन फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड यानी कि आपको मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे से, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2। ओके, 2 का पेयर लेकर मल्टीप्लीकेशन किया। देन अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। गॉट इट? दैट विल बी 19। ये आपका आ गया 3 2 6 प्लस 4 3 12 प्लस 4 2 8। ये हो गया 4 3 12, 12 2 24, 19 26 and 24। नाउ बेसिस 10। सो इसमें कितने जीरोस है आपके? 1 0। तो यानी कि आप 1 1 डिजिट ले सकते हो। ठीक है, 24 में से आपने 1 डिजिट लिया यानी 4 ले लिया, 2 यू गिव टू नेक्स्ट नंबर, इट बिकम्स 28। देन अगेन 1 इज देयर, 10 इज देयर, तो यू विल टेक 1 डिजिट। 8 आपने ले लिया, 2 आपने नेक्स्ट नंबर को दे दिया, तो 19 प्लस 2 इज 21, तो आंसर इज 2184। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे किया हमने। अब मैंने नंबर लिया जिसमें मैंने 100 का बेस लिया, हमारा बेस इसमें क्या है? 100, एज ऑल द नंबर्स आर क्लोजर टू 100। ठीक है, अब इसमें हम सेम चीज करेंगे, 103, 100 से कितना प्लस है? 3। 105 कितना प्लस है? 5। 106 कितना प्लस है? 6। इतना निकाल लिया, सेम मेथड, 103 प्लस 5 एंड 6। ठीक है, 103 प्लस 5 प्लस 6, एक हमारा स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3, ये आपका हो गया 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। देन ऑल 3 मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 इंटू 5 इंटू 6। ओके, ये हम देखते हैं, ये क्या है आपका? 103 प्लस 5 प्लस 6, 103 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 114। देन 5 3 15 प्लस 6 5 13 प्लस 6 3 18, देन 5 3 15 15 6 19। ओके, ये 114, ये आपने ऐड किया 63। ओके, एंड 19, ये आपका आ गया। अब बेस में कितने जीरो आपके? 2 जीरोस है बेस में, इसका मतलब क्या हुआ? 2 2 डिजिट ले सकते हैं, इसमें आपके ऑलरेडी 2 डिजिट्स है,
इसमें भी टू डिजिट्स है, बस हो गया 1146390। तो ये आपका आंसर इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन का आ गया। चलिए अब ये नंबर्स देखते हैं। अब ये नंबर्स देखकर आपको क्या लग रहा होगा, ये नंबर्स जो है आपके 100 के पास के नहीं है, 10 के पास के नहीं है, तो इनको बेस कैसे बनाएंगे? ये आप टू नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सब बेस मेथड। सब बेस लेकर फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसका बेस तो हम 10 लेंगे, बेस हमारा क्या है, हमारा एस टू डिजिट नंबर है, बेस तो हमारा हो गया 10। लेकिन इसमें एक सब बेस भी ले लेते हैं। सब बेस क्या हो गया, ये 30। लेकिन रिमेंबर ये जो मेथड है केवल उन्हीं नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो सेम सीरीज के हों। अगर 30 है तो सब 30 के होंगे, 40 है तो सब 40 के होंगे, तब ये मेथड एप्लीकेबल है, अदरवाइज नो। अगर आपका एक 30 का, एक 40 का, एक 50 का नंबर है तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। जैसे आपका 31, 33, 35 है, इन तीनों का बेस क्या हो गया 10, लेकिन सब बेस क्या हो गया 30, यानी क्या हुआ, सब बेस क्या आपका मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पर आ रहा है। तो 31, 30 से कितना प्लस है, प्लस 1, 33 प्लस 3, 35 प्लस 5, ओके। इतना आपको समझ में है, सेम हम प्रोसीजर कर रहे हैं। अभी एक पहले तो सेम मेथड करेंगे हम, 31 प्लस 3 34 प्लस 5 39, क्या किया आपने, 31 इसको से ऐड किया, इससे ऐड किया, तो ये क्या हो गया 39, ठीक है। एक तो आपका ये स्टेप हो गया, एक स्टेप क्या है, डबल नंबर मल्टीप्लिकेशन, 1 × 3 = 3, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, और एक तीन नौ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 15। लेकिन अब इसमें क्या करना है, क्यों, क्योंकि हमारा ये सब बेस 30 है यानी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसमें हम करते हैं फर्स्ट को हम 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 3 है। सेकेंड स्टेप को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, और थर्ड स्टेप को आप करते हैं 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि आप इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो आपने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 के स्क्वायर से यानी 9 से, 9 × 39, देन इसको आपने पहले ऐड कर लीजिए 23, 3 × 3, एनीथिंग टू द पावर 1 इज सेम नंबर 23, और ये आपने यानी 1 से मल्टीप्लाई कर, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो आपका सेम नंबर रहेगा। इसको आप स्किप भी कर सकते, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, इसको आप छोड़ सकते क्योंकि ये नंबर वही रहने वाला है, ओके। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, देन 69 एंड 50, ओके। अब हमारा बेस क्या है, 10, कितने जीरो है बेस में, 10, 1 डिजिट हम ले सकते हैं, यानी इसने अपना 1 डिजिट क्या दे दिया, इसको दे दिया, और ये बन गया 5, ओके। ये 69 प्लस 1 ये हो गया 70 का हमने 0 लिखा, इसने अपना 1 डिजिट इसको दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 358, तो ये हो गया आपका आंसर, इजी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये देखते हैं, अब ये क्वेश्चन देख के तो वाकई पसीने छूट जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वैदिक मैथ्स है और वैदिक मैथ्स सिखाने के लिए मैं हूं। चलिए अब बेस लेते हैं, इसमें 3 डिजिट नंबर, बेस विल बी 100, यस करेक्ट, आपका बेस क्या है 100, और सब बेस क्या है आपका, दैट इज 500, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5 आप ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 500 से हम लेते हैं, 500 2 + 2 है, यानी 500 से प्लस 2 है, 500 3 + 3, 500 4 + 4, ओके, ये आपको पता चल गया। सेम आप करेंगे 500 2 + 3 + 4, ओके, 500 2 + 3 = 505 + 4 = 509।
ये किया आपने, देन टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 2 6, 4 3 12, देन 4 2 8, ओके, देन ऑल थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 4 × 3 × 2, ओके, देन एज आई टोल्ड यू बेस आपका 5 से, सब बेस आपका मल्टीप्लाइड बाय 5 है, यानी यहां पर आया आपका 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यहां पर आया आपका 5 और यूर नथिंग, क्लियर? सो 25 × 509, ओके, देन 5 × 26, देन 4 3 12, 12 2 24, ओके, देन अब हम क्या करेंगे, 25 को 509 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 25, अब आप 5 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 30, 0 carry 3, 5 2 10 + 3, 13, देन 24, ओके, अब यहां पे हमारा बेस में कितने जीरोस है, 2 जीरोस, तो आप कितने डिजिट्स ले सकते हो, 2 डिजिट्स, इसके तो 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट ही रहेगा, इसके 2 डिजिट्स ले लेंगे हम एंड 1 डिजिट वी विल गिव टू दिस नंबर, ओके, तो ये हो जाएगा 12726, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ओके, कैसा लगा ये मेथड, अच्छा लगा, आप घर पर ट्राई जरूर करिएगा और पिक्चर अभी बाकी है, होमवर्क मिलेगा, होमवर्क सम्स करेंगे और होमवर्क सम्स करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा, आपके आंसर्स आए कि नहीं आए, और आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर और जरूर डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।